एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा बहुत सरल नहीं है, पर कोई भी यात्रा सरल नहीं होती है। तो आप उसी तरीके से देखें कि ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत एडवेंचरस जर्नी है आपकी, और इसमें काफ़ी आपको आप जब एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो मज़ा भी आएगा। मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और साथ ही साथ मुझे सबसे अच्छा इसका योगदान है जो मुझे बोलने की हिम्मत मिली। एंटरप्रेन्योरशिप यही कराते हैं कि यू कैन यूज जो भी आपका मटेरियल, वेस्ट मटेरियल तक उसको आपको यूज करना चाहिए। यहाँ मेधा की तरफ से और नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप पे एक नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ था, उसमें मुझे बुलाया गया था कि फार्मिंग से जुड़ी इंटरप्रेन्योरशिप आज के डेट में क्या है और कैसे है और इसका आगे का स्कोप क्या है। मछली पालन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, ये नेचर में बढ़ने वाली चीज है, और दूसरी लाइफ स्टॉक से इसमें डिफरेंट है। इसको हम फीड नहीं देते हैं फिर भी ये ग्रो करती है, जैसे ये नेचर में करती है, झीलों में करती है, नदियों में करती है। हम फीड देते हैं तो जल्दी ग्रो करती है, हमको ज्यादा आउट होती है। आपकी कमाई भी हो, इसमें एक उसका सामाजिक पक्ष भी हो कि आप गांव में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, शायद एग्रीकल्चर के बेस्ट प्रैक्टिसेस शायद गांव में लेके जा रहे हैं, तो उसका एक सामाजिक पक्ष भी है और साथ में एक एनवायरमेंटल भी पक्ष है, एक इकोलॉजिकल भी पक्ष है, और इसीलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम यूएन की बॉडीज और दुनिया भर की बॉडीज जिसको प्रमोट कर रही हैं उसको भी लाने का यही तरीका है, इसीलिए एग्रीप्रेन्योरशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ आज यहाँ से ज्यादा युवा और आप जैसे जो ब्राइट और वाइब्रेंट एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो एग्रीप्रेन्योरशिप से जुड़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास वो एडवांटेज है कि आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। जो लोग किसानी कर रहे हैं अपने बच्चों को खेती करने के लिए कैसे मोटिवेट, क्योंकि आज के दिन में अब्सेंटी फार्मर हो ज्यादा, तो ये मोटिवेशन हमको करना है बच्चों को कि कृषि के प्रति कृषि में ही रहे। आज मेघा का जो कार्यक्रम का आयोजन रहा हम लोगों के छात्रों के लिए काफ़ी सराहनीय रहा, और हम लोगों ने इससे डिफरेंट इंटरप्रेन्योरशिपों से मिला है, कोई मछली पालन से था, कोई पिगरी से था, कोई एनिमल हस्बेंड्री से था, सब ने अपने आइडियाज हम लोगों के शेयर किए, हम लोगों ने उसे कुछ सीखा कि रियलाइज क्या है, मतलब कि फील्ड लेवल पर जा करके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है ये प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, इसमें क्या है कि इस दौर से अगर हम लोग न जुड़े या तो इनसे हम न जुड़े तो आज क्या है कि गवर्नमेंट जॉब घटती जा रही है और जनसंख्या हमारा बढ़ता जा रहा है, लैंड जो है लैंड होल्डिंग कैपेसिटी घटती जा रही है, किसानों की दशा जो है कि दिन पर दिन घटती जा रही है, उनकी दुर्दशा होती जा रही है किसानों की। इसको देखते हुए हम लोग जो एग्रीकल्चर के यूथ हैं, जो स्नातक परास्नातक और रिसर्च स्कॉलर छात्र हैं, इसमें हम लोग अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं।